बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता हमेशा से रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को क्रिकेटर्स पसंद आ जाना या फिर क्रिकेटर्स को बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मोहब्बत हो जाना कोई नई बात नहीं है, और इसी कारण कभी भी बॉलीवुड और क्रिकेट के बीच सरहदों की दीवारों को भी नहीं माना गया। न सिर्फ नए जमाने में बल्कि पुराने जमाने में भी फिल्मी अभिनेत्रियों को क्रिकेट के स्टार्स से मोहब्बत होती रही, और इस लिस्ट में जिस एक्ट्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है वो है बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर की शादी मंसूर अली खान पटौदी से हुई थी, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इस कपल के 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी साल 1969 में शादी के बंधन में बंध गए थे। ये कपल हमेशा खुश ही नजर आया। हालांकि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शर्मिला ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बंधन में बंधने से पहले एक शर्त रखी थी। मंसूर टीम इंडिया के सबसे कम उम्र के कैप्टन थे, जबकि उस समय शर्मिला टैगोर एक उभरती हुई अदाकारा थी। बात उस जमाने की है जब साल 1965 में दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती चली गईं और इन दोनों को कब एक दूसरे से मोहब्बत हो गई ये इन्हें पता ही नहीं चला। जब प्यार परवान चढ़ा तो फिर उसके बाद वो अपनी मंजिल यानी शादी तक पहुंचने लायक भी हुआ, और उस समय शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर मंसूर एक मैच में लगातार 3 छक्के लगा देते हैं तो वो उनसे शादी कर लेंगी। इसके बाद तो मानो नवाब मंसूर अली खान पटौदी को शायद जीवन का लक्ष्य ही मिल गया था, और वो तुरंत शर्मिला टैगोर की दी हुई इस चुनौती को पूरा करने में जुट गए। और आखिरकार 27 दिसंबर 1969 को उन्होंने शर्मिला टैगोर की इस शर्त को पूरा कर ही दिया, यानी एक मैच के दौरान उन्होंने 3 बॉलों पर 3 छक्के जड़ दिए, और इसके बाद शर्मिला और नवाब पटौदी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।